तो दोस्तों नमस्कार, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है एक नए ब्लॉग वीडियो में। तो दोस्तों आज की वीडियो में आप सभी को दिखाने वाले हैं, एक्सप्लोर करने वाले हैं जो कि दक्षिणी चौक रेंज एक जंगल है जो कि महाराजगंज ज़िले में है और वो सोहगी वर्मा वन्य जीव जो प्रभाग है क्षेत्र उसमें आता है और काफ़ी अच्छी जगह है और काफ़ी घना जंगल है ये। और इस जंगल में काफ़ी जो है कि खतरनाक खतरनाक वन्य जीव पाए जाते हैं यहाँ पे। यहाँ पे शेर भी, हिरन भी, चीता भी, कई तरह के जानवर यहाँ पे पाए जाते हैं और काफ़ी घना जंगल है ये। बहुत अलग अलग वैरायटी के अलग अलग तरह के पेड़ पौधे यहाँ पे आप सभी को देखने को मिलेंगे। तो वीडियो में बने रहें आप सभी लास्ट तक और हम आपको बैक कैमरे से एक्सप्लोर करके दिखाने का प्रयास करते हैं। और आज के ट्रिप में मेरे साथ है, मेरा साथ देने के लिए मेरे मित्र, मेरे बहुत ही करीबी दोस्त आदित्य पाल जी, जो कि ये आज के दिन बाइक ड्राइव कर रहे हैं मेरा और मैं वीडियो को शूट कर रहा हूँ। इधर देखिए आदित्य जी, कुछ बोलना चाहेंगे व्यूअर्स को आप? तो देखिए दोस्तों आप सभी लास्ट तक बने रहे वीडियो में और मैं बैक कैमरे से आप सभी को दिखाने का प्रयास करता हूँ कितना खूबसूरत जंगल है ये और प्रकृति का एक अद्भुत और अनुपम जो है कि यहाँ पे छटा आप सभी को देखने को मिलती है। तो चलिए मैं बैक कैमरे से आप सभी को दिखाने का प्रयास करता हूँ। तो अभी हम देख सकते हैं आप सभी कि 6 से 7 किलोमीटर की दूरी तय करके बाहर जंगल से अभी बीच जंगल में आ चुके हैं। और ये बीच नहीं है, उसके बीच जंगल से कुछ पहले ही हैं हम सभी। और हम जैसे ही यहाँ पे आए तो हम शौक रह गए यहाँ पे कि देख सकते हैं आप, काफ़ी भीड़ है यहाँ पे, काफ़ी क्राउड है यहाँ पे, काफ़ी बच्चे, काफ़ी जवान यहाँ पे जो लोग हैं यहाँ के आसपास के वो यहाँ पे। एक गंडक नदी है जो नदी ये जो जंगल है इसके बीच से होकर गुजरती है, बहती है। और इस नदी में जो है कि देख सकते हैं काफ़ी पानी जो है इसका ठंडा है और काफ़ी इस गर्मी में काफ़ी राहत दे रहा है लोगों को। तो लोग आर्टिफिशियल स्विमिंग पूल ना जा करके, सॉरी वाटर पार्क जा करके, और यहाँ पे इस देसी वाटर पार्क का मज़ा लेने यहाँ पे आ चुके हैं। तो यहाँ पे आसपास के जो है कि दूर दराज से लोग भी इस गर्मी के मौसम में आप देख सकते हैं कि इस समय जो टेम्परेचर हाई है तो उससे राहत पाने के लिए लोग आए हुए हैं। तो अब हम यहाँ से निकल चुके हैं आगे की तरफ, आगे भी आप सभी को एक्सप्लोर करके दिखाते हैं आगे और भी क्या चीज़ें हमको देखने को मिलती हैं। तो वीडियो में लास्ट तक ज़रूर बने रहें। जैसे आगे की तरफ हम और बढ़े तो यहाँ पे देख सकते हैं आप सभी की वन देवी दुर्गा जी का देवस्थान हम सब की को देखने को मिला और ये ठीक जंगल के बीचों बीच में स्थित है। तो दोस्तों इस समय हम जंगल के बीचों बीच में आ चुके हैं जो कि जहाँ पे हम थे आप सभी को दिखाने का प्रयास किए थे बाहर, वहाँ से हम लगभग 7 से 8 किलोमीटर अंदर की तरफ आ चुके हैं अभी जंगल में। और हमने बैक कैमरे से आप सभी को दिखाने का प्रयास किया है और भी जो भी चीज़ें हैं यहाँ पे हम आप सभी को एक्सप्लोर करके दिखाने का प्रयास करेंगे।
देख सकते हैं आप मेरे पीछे की तरफ यहाँ पे वन विभाग का जो है कि बोर्ड लगा हुआ है यहाँ पे कि जो है कि अंदर जाना अभी मना है सख्त आपका। और यहाँ पे काफ़ी ख़तरनाक जो है कि अलग अलग तरह के जानवर पाए जाते हैं, जिससे सेफ्टी के दृष्टिकोण से अंदर जाना काफ़ी मना है यहाँ पे। तो इसलिए हम अंदर ना जाते और यहाँ से ही जो है कि वापसी कर रहे हैं बाहर की तरफ, और फिर से हम आप सभी को दिखाने का प्रयास करेंगे। तो वीडियो में लास्ट तक ज़रूर बने रहें। ये आप देख सकते हैं कि काफ़ी जो कि हम बीच जंगल में आ गए हैं, और यहाँ पे जंगल काफ़ी घना है। यहाँ पे अलग अलग वैरायटी के आप सभी को पेड़ पौधे दिख रहे हैं यहाँ पे, जो कि बेत के पौधे हैं और भी अलग अलग तरह के पेड़ पौधे हैं यहाँ पे, जो है कि यहाँ पे जंगल काफ़ी घना है। और इसी जंगल में जो है कि जो जंगली जानवर हैं, पशु हैं, वो सब इसी, और जो पक्षियाँ इसी जंगल में ही आसपास में आप सभी को मिलती हैं देखने को। तो अब हम बाहर की तरफ निकल रहे हैं जंगल से। तो ये जो रास्ता आप सभी को दिखाई दे रहा है, ये पकड़ के हम कुछ दूर आगे की तरफ जैसे बढ़े, तो वहाँ पे जैसे ही हम आगे बढ़ते हैं तो देखते हैं कि लकड़ी का पुल हम सभी को दिखाई देता है, जो कि ये पहले का निर्माण था। पहले जो कि जंगल के कर्मचारी स्टाफ जो थे वो लोग इसका निर्माण कराए थे, जो कि जंगल की सुरक्षा के लिए इस रास्ते से आते जाते थे, पूरा जंगल घूमते थे वो लोग। और इसी रास्ते से जो है कि आम जनता भी जो इस रास्ते से गुजरती थी, जंगल को क्रॉस करती थी, वो भी इसी रास्ते इसी पुल से होकर गुजरती थी। तो आज का वीडियो हम यहीं पे एंड करते हैं, और आज का जो ट्रिप रहा काफ़ी शानदार रहा हमारा, और आगे भी हम ऐसे ही आप सभी के लिए प्रयास करेंगे कि जो कि वीडियो अच्छी अच्छी बनाएं और अच्छा अच्छा लोकेशन आप सभी को विजिट करवाएं दिखाएं। तो वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें, जिससे हमारे जो आगे भी जो वीडियो हम डालें आप सभी तक जरूर पहुँचें। तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।